चलिए इसी बीच बात करते हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मंत्रियों से चर्चा करेंगे और मंत्रियों से योजनाओं और उनकी शिकायतों को लेकर उनका समाधान करेंगे। बता दें कि निगम मंडल के अध्यक्षों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया अभी मध्य प्रदेश में ही हैं और भोपाल में कल भी उन्होंने एक बैठक ली थी और आज होने वाली बैठक भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वो इसमें मंत्रियों से उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी शिकायतों को लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरह से मंत्री दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, उसे लेकर एक समन्वय बैठाने की कोशिश दीपक बावरिया आज करने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले निगम मंडलों की नियुक्ति का रास्ता आसान करने के लिए कांग्रेस हर जिले में कमेटी बनाएगी, इसे लेकर भी बैठक हुई है जिसमें पार्टी पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। बता दें कि ये कमेटी अपने जिले के कार्यकर्ताओं के नामों की सिफारिश करेगी। सिफारिश से पहले कमेटी कार्यकर्ताओं के बारे में पूरी पड़ताल भी करेगी। जिले की कमेटी ए, बी, सी और डी ग्रेड में नाम भेजेगी। इसी आधार पर उनको निगम मंडल, सभी सरकारी संस्थानों और संगठनों में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पद दिए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने मंगलवार को पीसीसी में पदाधिकारी, विभाग प्रमुखों और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक में निर्देश दिए। बावरिया कुछ नेताओं से उनकी पसंद से दो तीन नाम भी लिखवाए थे और आज वो मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। तो अपने दो दिवसीय भोपाल के दौरे के दौरान उन्होंने कई बैठकें ली और आज मंत्रियों से वे चर्चा करने वाले हैं।